आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। श्री गणेशाई नमः। नमो नारायण मित्रों, सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं अपनी चाल, क्या है आपका राशियों का हाल। दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके किसी बच्चे, अगर आपने जो माता पिताएं हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं, अगर आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं है, आपसे कंट्रोल में नहीं है, आपके वश में नहीं है, तो अगर आप बहुत परेशान हैं तो आपके बच्चे को आपके वश में करने चाहते हैं, बार बार सोच लीजिए कि आपका बच्चा आपसे दूर जाना चाहता है, दोस्तों की बात करता रहता है, घर में उसका रहने का मन नहीं करता, घर में आओ तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है, चिड़चिड़ भावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ना तो पढ़ाई में मन लगता है, और जैसे नशा चीज़ को सेवन करते हैं, तो ऐसे अवस्था में जो माताएं और पिताएं बहुत दुखी हो जाते हैं, तो अपने संतान को लेकर दुखी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको अपने वश में रखने के लिए आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा, जो इसको अपना कर आप अपने बच्चे को, आपके संतान को सच बहुत इजी से अपने वश में, अपने मुट्ठी में रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये माता पिताएं जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए है ये वीडियो, जो अपने बच्चों को वश में करने चाहते हैं। तो अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, तो आपसे झगड़ा करता है, तो ऐसे अवस्था में आप अपने बच्चों को जरूर वश में कर सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल में नवे हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो कैसे अपने बच्चों को अपने वश में किया जा सकता है। तो दोस्तों, माताएं पिताएं जो भी हैं, तो अपने बच्चों को वश में करना, कंट्रोल करना बहुत ही ईजी तरीका है। तो आप श्री कृष्ण का स्मरण करें और 3 इलायची लें और अपने बदन में स्पर्श करते हुए शुक्रवार के दिन आपको किसी ऐसे उसमें छुपा दें। उसके बाद उसमें, या आप साड़ी में या पैंट में या पीला कपड़े में या लाल कपड़े में उसको बांध के आप छुपा दें एक दिन, और उसको सिर्फ आपको ऐसा करना है, शनिवार के दिन में सुबह के समय में अपने बच्चों को आप क्या करना है, किसी दूध में, भोजन में आपको डाल के खिला देना है। उसके बाद ये 3 शुक्रवार को आप करेंगे तो कोई इसमें बिल्कुल 100% काम करेगा, आपका बच्चा बस में हो जाएगा। पहली ट्रिक ये है। और दूसरी ट्रिक है, ये आप शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन, जो शुक्ल पक्ष का रविवार होता है, उस दिन आपको 5 लौंग लेना है, शरीर के ऐसे स्थान में आप रखें जहां आपको पसीना आता हो, उस पसीने में आपको वो लौंग भीगने चाहिए, उस लौंग को लेकर आपका जो 5 लौंग जो है उस पसीने से भीगने चाहिए, उस ऐसे स्थान में रखें जहां आपका पसीना आता हो, और उसको भीग जाने के बाद आपको उस पसीना को सुखा दें और उसकी पाउडर बना दें, चूर्ण बना दें। उसके बाद उस बच्चे को दूध या चाय में डालकर अगर आप पिला देंगे तो वो तुरंत वश में हो जाएगा, आपका कहना मानने लग जाएगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। दोस्तों, आपके जो माताएं पिताएं हैं, जो सबसे ज़्यादा समस्या और तनाव ये रहती है कि अपने बच्चों को अपने वश में कैसे करें, अपने बच्चों को कंट्रोल में कैसे रखें, तो आपका कहना नहीं मानता, तो ये बहुत ही इजी तरीका है, ये दुनिया का सबसे इजी तरीका है, अपने बच्चों को आप अपने वश में बहुत ही इजी से रख पाएंगे। तो और दूसरी ट्रिक है दोस्तों, अगर आपके बच्चे, अगर आपके बेटे हैं, अगर आपके बेटा आपसे बिल्कुल उखड़ गया है, आपकी कहना बिल्कुल नहीं मानता है, झगड़ा करता है, बार बार समस्या दोस्तों के साथ जाता है, घर में नहीं आता है, बाहरी रहता है, पैसे उड़ाता है, माँ बाप की कमाई उड़ा दिया है, तो अगर उसके लिए आपको एक काली मिर्च लेना है और 41 दाने उड़द की दालें लेनी है जो दली हुई नहीं है, और 50 ग्राम गुड़ लेना है, 2 टुकड़े लोहे के किले लेना है, 1 सरसों का तेल का दिया लेना है, और थोड़ा सा सिंदूर लेना है, और कच्चा पापड़ 1 लेना है। तो ऐसे करने से इस सामान को आप इकट्ठा करें, इकट्ठा पूरा रूप से इकट्ठा करें, और एक पापड़ के ऊपर आपको सारी सामान रख दें, उसके बाद एक थाली में रखकर आप पापड़ के ऊपर ये जितनी भी सामान जो मैंने बताई है उसके ऊपर रख दें, और इसको आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे
इसको छुपाना है, पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना है, उसके बाद आपको दीपक जला देना है, आपको एक स्मरण करना है कि अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें दोस्तों, और प्रार्थना करने के बाद चुपचाप से आप घर लौट आएँ, पीछे मुड़कर ना देखें। ये सिर्फ आपको शनिवार के दिन ही करना है और गुप्त तरीके से करना है, किसी को पता ना लगे। ये 5 शनिवार करेंगे तो, और आप प्रतिदिन हनुमान बजरंग, ये कार्य करने के बाद हनुमान बजरंग बाण के पाठ जरूर करना है, उसके बाद आपको मंदिर में जाके प्रसाद आपको बांट देना है या हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देना है। उसके बाद आपका बच्चा अगर आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, घर में रहने का उसका मन नहीं करेगा, ये सब कुछ जो दोस्तों के साथ गलत दोस्तों के साथ लगेगा, ये सब खत्म हो जाएगी, वो अपने वश में ही रह जाएगा। और दूसरी बहुत ही ईजी तरीका है, अगर आपका बच्चा फिर भी नहीं मानता तो अगर आप और भी ईजी तरीका, आपका बच्चे का एक फ़ोटो लेना है और आपके इष्ट देव की मूर्ति के आगे उस बच्चे की फ़ोटो रख देना है, आपके बेटे हो या बेटी हो कोई भी हो, एक सुपारी लेना है और इष्ट देव के सामने रख देना है फोटो के ऊपर, और उसके बाद भगवान के आश्रय छोड़ देना है। आपने अपने इष्ट देव को 108 पटक मंत्र जप करना है, उसके बाद भगवान के आश्रय छोड़ देना है। तो ये बिना हाथ धोए एक रुमाल उसके बच्चों के हाथ से, अब बच्चों आपने रुमाल हाथ नहीं धोना जो कार्य करने के बाद, उसके बाद एक रुमाल बच्चों को दे देना है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा उड़द की दाल रख देना है और बांध कर किसी गरीब को दे देना है। देखिए आपका बच्चा आपके वश में रह जाएगा, कभी आपसे दूर जाने की बात नहीं करेगा और आपका कहना मानेगा। दोस्तों अगर आपके 3 महीने के में एक बार चांदी का छोटा सा टुकड़ा लेके बच्चों के हाथों के द्वारा आप किसी जल में प्रभावित कर देंगे, तब भी आपका बच्चा आपके वश में रह जाएगा, कभी इधर उधर जाएगा नहीं। और दिवाली के दिन किसी शुभ मुहूर्त में एक मंत्र आप सिद्ध करें, ये वशीकरण मंत्र है, तो उसके बाद आपको इस मंत्र को 10 माला जप करनी होती है, 10 माला जप करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो उसके बाद उस मंत्र को आप सिद्ध करने के लिए पहले तो सुनसान ऐसे शुद्ध स्थान में बैठें, उसके बाद आपको क्या करना है, ये दिवाली के दिन करना है, इसको करने के बाद आपको ये मंत्र 10 माला जप करने के बाद आपको 3 इलायची या 2 लौंग लेना है और उसके तो थोड़ी सी मिश्री लेना है। जब भी आपको अपने बच्चे को इस वश में करना चाहते हैं तो 21 बार मंत्र पढ़ के उस इलायची मिश्री और लौंग को आपको किसी भोजन में, दूध में या खाने में मिलाकर आपके बच्चे को खिला देना है, तो आपका बच्चा आपका आज्ञा मानेगा, आपके वश में रहेगा और आपकी कल्चर को समेटेगा, आपके साथ के साथ सब कुछ ये ठीक हो जाएगा, आपकी जो समस्या थी, जो तनावें थी, ये दूर हो जाएंगे। ये इसके लिए बहुत ही शक्तिशाली टिप्स है दोस्तों। तो अगर ये मंत्र है आपको ओम क्लीम क्लीम अमुक ममा, इस बच्चे का आपका बच्चे का नाम लेना है, उसके बाद वश्यम कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जप करें, इतना करने के बाद आपका बच्चा आपके वश में हो जाएगा, कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी, गलत प्रयोग कभी भूल कर भी ना करें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता जी, आपका जीवन सफल और सुखद रहे, जय माता जी। आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम